नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नया सीएससी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है सीएससी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है और 18 साल से ऊपर है वह सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीईसी सर्टिफिकेट, टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर कोर्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अगर ये दो चीज़ें हैं तो इनके साथ आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खुद का एक फ़ोटो और एक कैंसिल चेक आपके बैंक अकाउंट का। ये चीज़ें आपको इन हैंड रेडी करनी है। अब बात आती है टीईसी सर्टिफिकेट, जो कि मैंने कहा था आपसे। टीईसी सर्टिफिकेट आप सबसे पहले आप उसको अवेल करें, यानी कि उस एग्ज़ाम को आप पास आउट करें। मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से रजिस्टर करके आपको टीईसी सर्टिफिकेट लेना है। टीईसी सर्टिफिकेट लेने की जो कॉस्ट है आज की डेट में वो लगभग 1500 रुपये के करीब है। जब आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो आप टीईसी सर्टिफिकेट के लिए इनरोल हो जाते हैं और फिर उसमें आपको कुछ लर्न करना होता है, फिर एक एग्ज़ाम देनी होती है, उसको पास करने के बाद आपका टीईसी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। अब जो सीएससी रजिस्ट्रेशन तब आप करोगे, तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी बैली करने के बाद वो आपसे टीईसी सर्टिफिकेशन नंबर मांगता है, बिना इसके यह आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी सीएससी कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, टीईसी सर्टिफिकेट कैसे निकालना है आपको, ये सब के वीडियो मैं बनाऊँगा जो जल्दी आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।